हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोरंजन मसाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। टप्पू हमेशा दिन भर मुंह में अंगूठा चूसता रहता था। इससे उसकी माँ बहुत परेशान थी कि बच्चे का क्या किया जाए। तो वो एक दिन डिटेक्टिव करण से कहती है, सर आप तो बहुत सारे केस सॉल्व करते हो ना, तो मेरा भी ये केस सॉल्व करके बताओ, तभी मैं आपको डिटेक्टिव समझूंगी। तो करण उसकी माँ को एक मस्त आइडिया देता है, जिससे उसका बच्चा मुंह में अंगूठा चूसना ही भूल जाता है। तो भाई दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हो क्या कि करण ने क्या आइडिया दिया होगा टप्पू की माँ को? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस पजल का सही जवाब दीजिए। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। अरे यार, इसका जवाब तो बहुत ही फनी था। करण कहता है, बच्चे को ढीली चड्डी पहना दो, जिससे वो दिन भर अपनी चड्डी पकड़े रहेगा और मुंह में उंगली डालना ही भूल जाएगा। वाह भाई वाह, क्या मस्त आइडिया दिया करण ने। तो इतनी मस्त पहली के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली पहली। दोस्तों, पजल नंबर 2 यह एक दिमागी पजल है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने 1 किलो कॉटन और 1 किलो का वजन है, तो अब आप हमें बताइए कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा भारी क्या होगा, 1 किलो का वजन या फिर कॉटन? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। सिंपल है यार, अगर आप तराजू में दोनों को गिनोगे ना, तो दोनों का वेट सेम रहेगा। और ए भाई, क्योंकि दोनों 1 kg हैं, तो चलिए फिर से आपके सामने एक पिक्चर आई है, जिसमें आपको 3 बंदूक के होल दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें अच्छे से देखिए और अब हमें बताइए कि कौन सा होल सबसे पहले हुआ है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इस पजल का सही जवाब दीजिए। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। अरे भाई, होल 2 सबसे पहले हुआ है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो होल 2 के सारे निशान लंबे गए हैं और होल 1 और होल 3 के निशान होल 2 के निशान के पास जाकर रुक गए हैं। मतलब होल 2 सबसे पहले हुआ है, इसलिए होल 1 और होल 3 के निशान वहां पे आकर रुक गए हैं। दोस्तों, पजल नंबर 3 यह एक लॉजिकल पजल है, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने बॉल को रैकेट से जोर से मारा, फिर भी बॉल मेरे पास आ गया। तो भाई कैसे, सामने तो कोई वॉल भी नहीं है, फिर भी बॉल मेरे पास वापस कैसे आ गया? तो क्या आप सोचकर बता सकते हो क्या? तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और इस पहेली का सही जवाब दीजिए। अरे भाई, मैंने बॉल ऊपर की तरफ मारा था, इसलिए बॉल वापस मेरे पास आ गया। तो क्या आपने ये सही गेस किया था क्या? तो वाकई में यार, आप लॉजिक लगाने में माहिर हो। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 4 में आज आपको कोई एक ऐसा जवाब देना है जो इन चारों भी सवालों का एक ही नाम हो। एक फूल का नाम, एक नदी का नाम, एक मूवी का नाम और एक हीरोइन का नाम। तो बताओ कि वह कौन सा एक ही नाम है? तो भाई जरा सोचो सोचो। अरे यार, वह एक ही नाम है, मंदाकिनी। देखिए भाई, मंदाकिनी एक फूल का भी नाम है, मंदाकिनी एक नदी का भी नाम है, मंदाकिनी एक मूवी का भी नाम है और मंदाकिनी एक हीरोइन का भी नाम है। तो आ गया ना भाई,
वह एक ही नाम मंदाकिनी। तो चलिए इसी के साथ हम देख लेते हैं कि कौन कौन है आज के वो 10 लकी विनर। तो हमारे पिछले वीडियो का आंसर था भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहे आज के वो 10 लकी विनर, अजय राज, पीडब्ल्यू स्टार, अंशिका यादव, विनय राज, दिनेश शर्मा, वंश क्रिकेट, दक्ष, वंशदीप सिंह, नसरीन शेख और आदर्श मिश्रा। दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।